दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला रिलायंस ज्वेल्स। दिन भर के से प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, सिटीवन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सिटीवन चैनल की तरफ से अपील ये है कि अभी कोरोना का डर खत्म नहीं हुआ है, तो अपने आप को सुरक्षित रखें और बिना मतलब बेवजह घरों से बाहर ना निकले। अब पेश है हेडलाइंस। मंडलायुक्त ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्मचारियों और अधिकारियों को दिलाई एकता व अखंडता की शपथ। जिलाधिकारी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके चित्र पर किया माल्यार्पण, मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाई शपथ। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर मंडलायुक्त जिलाधिकारी ने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर किया पुष्प अर्पित। राष्ट्रीय एकता दिवस पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने दिलाई शपथ। कोविड 19 के प्रभाव को कम करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर एयरपोर्ट डायरेक्टर ने किया रवाना। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, एकता और अखंडता की दिलाई शपथ। राष्ट्रीय एकता दिवस पर एसटीएम सदर ने तहसील कर्मचारियों को दिलाई शपथ। पटाखों की दुकानों का लॉटरी के माध्यम से हुआ आवंटन, सिटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में 64 में से केवल 32 दुकानदारों को ही दिया गया लाइसेंस। वीडियो की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक दिए गए आवश्यक निर्देश। क्षय रोग उन्मूलन को लेकर जिला क्षय रोग केंद्र में मीडिया संवेदीकरण बैठक का हुआ आयोजन। 145वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय व कर्मचारियों ने मनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती। अपना दल एसके कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई 145वीं जयंती। जयंती के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया पुष्प अर्पित। सपा कार्यकर्ताओं ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय कुर्मी छत्री महासभा के कार्यकर्ताओं ने मनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल का 145वां जयंती। और सदर तहसील सभागार में 10 वर्षों के लिए पोखरों को किया गया नीलाम। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने मंडलायुक्त सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया। वहीं मौजूद कर्मचारियों को एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आपको पता है, आज नेशनल यूनिटी डे, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस कहते हैं, आज वो मनाया जा रहा है। और 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिन है। और वो जो उन्होंने लगभग 75 साल का अपना जो जीवन दिया है, 31 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950
शिक्षक था, वो पूरा जीवन जिस तरह से उन्होंने देश सेवा में लगाया और सही मायने में, यदि सही मायने में आज जो आर्टिकल 1 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एंड यूनियन ऑफ स्टेट, मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी हरसक प्रयास करूँगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये वो महापुरुष हैं जिसकी वजह से आज भारत भारत है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। और जैसा कि मैंने कहा कि यदि भारत आज अक्षुण्ण और एक होके खड़ा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय सरदार पटेल जी को जाता है और उनकी पूरी 1875 से उनका जन्म वर्ष है और 1950 में उनकी 15 दिसंबर 1950 को उनकी पुण्यतिथि है। वो पूरे 75 साल जिस तरह से इन महापुरुष ने राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र को खड़ा करने में लगाए, वो अविस्मरणीय है और हर देशवासी को, हमारे गोरखपुर कमिश्नरी और जनपद के वासी को ये आज हमें ध्यान में रखते हुए वे सभी कार्य किए जाने चाहिए। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने जिलाधिकारी सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया और उनके जीवन आदर्शों पर चलने की कस्में खाई। वहीं मौजूद कर्मचारी व अधिकारियों को एकता व अखंडता की शपथ दिलाई। इस दौरान एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव, एडीएम वित्त आरके सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। देशवासियों के बीच ज्ञान संदेश फैलाने के भी प्रयत्न करूंगा। मैं यहां शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्य द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए अपना योगदान बनाने के भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया, आज एकीकरण दिवस के रूप से हम पटेल जी के जयंती को मनाते हैं ताकि उन्हीं ने एकीकृत किए थे देश को। 500 छोटे मोटे राज का मिला के एक भारत के रूप से एक देश बनाया, उनके याद में आज हम लोग सुबह शपथ भी लिए थे, शपथ भी दिलाए थे और याद भी कर रहे थे और इनने क्या क्या किए हैं, उनका संदेश क्या है, उसको हम लोग जिंदगी में लाना है, यानी भाईचारा बनाए रखना है, देश को एकरूपता एकता बनाए रखना है। ये सभी का योगदान इस पर आवश्यक है। अकेले कोई मिशनरी, अकेले कोई प्रशासन नहीं कर सकते हैं, सभी लोग भाईचारा के साथ रहेंगे
भारत जैसे मजबूत देश दुनिया में नहीं होगा और हम लोग भी मजबूत रहेंगे, देश भी मजबूत रहेगा। शासन के निर्देश पर महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन बेतियाहाता स्थित हनुमान मंदिर में मंडलायुक्त जयंत नलिकर व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की मौजूदगी में किया गया। बेतियाहाता स्थित हनुमान मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ मंडलायुक्त व जिलाधिकारी ने पूजा अर्चना करते हुए महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर हाथ जोड़कर वंदन किया। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह, SDM सदर गौरव सिंह सोगरवार, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव, तहसीलदार सदर डॉक्टर संदीप दीक्षित सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, रामायण में वाल्मीकि स्वयं को प्राचेतस ही कहते हैं, दक्ष भी दक्ष प्रजापति के बाद ही वो हनुमान जी के सन्निधि में कुछ कहने से आज आश्विन पूर्णिमा। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने बताया, जैसे कि आप जानते हैं कि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं, और आदि कवि इसलिए कहते हैं कि जो रामायण की रचयिता हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं, और ये एक बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए हर वर्ष उनकी वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। और इस बार वाल्मीकि जयंती शासन के निर्देश के क्रम में इसका हर जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, और उसी के क्रम में गोरखपुर जनपद में भी एक प्रयास किया गया है कि हम इस जयंती के माध्यम से उनको एक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, और जो रामायण जैसे ग्रंथ के रचयिता हैं, हम जो रामायण के माध्यम से जो एक नीति की, एक मर्यादा की शिक्षा हिंदू धर्म को मिलती है, उसको हम पुनः याद करें और देखें कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन मर्यादाओं का, उन सीखों का कितना पालन कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल गोरखपुर द्वारा एकता दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त AK सैनी ने मार्च पास की सलामी ली। वहीं मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने मौजूदा सुरक्षा बल के जवानों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अतुल कुमार श्रीवास्तव, रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ प्रधानाचार्य नरेंद्र मोहन सहित बड़ी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्लाटून नंबर 4 के कमांडर टीना मालो, आप सब लोग करतल ध्वनियों से स्वागत करें। सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को पटेल की दूरदर्शिता
एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना हर एंगल में बहुत ही सुस्त और बारीकी से। गृहकर्मियों से बात करते हुए मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे पुलिस बल एसके सैनी ने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में इसे पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ लेनी होती है ताकि हम इस देश के जो नागरिक हैं और इस देश के जो भावी नागरिक हैं उन सभी को देश प्रथम के दृष्टिकोण से तैयार कर सकें, उनके मन में सबसे पहले देश की सुरक्षा और देश के हित का विचार पहले आए, उसके बाद में अपने परिवार का हित और उसके पश्चात अपना स्वयं का हित उसे अपने दिमाग में रहे। यह चीज़ हमें बार बार हमारे भावी नागरिकों को, हमारे भावी रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को, ये जो 350 लेडी कांस्टेबल्स यहाँ पर आई हुई हैं इनको भी हमें इसी तरह से संस्कारित करना है। गोरखपुर में COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्रीय संपर्क ब्यूरो गोरखपुर इकाई द्वारा गोरखपुर एयरपोर्ट पर जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एयरपोर्ट के डायरेक्टर अनिल द्विवेदी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को COVID-19 के प्रति जागरूक करेगी। वहीं कूड़ाघाट चौराहे पर शहीद गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही पैम्पलेटों का भी वितरण किया गया और लोगों को COVID-19 के प्रति जागरूक रहने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल द्विवेदी व उप निदेशक क्षेत्रीय संपर्क ब्यूरो नरसिंह राम ने बताया, जनता से मेरी अपील है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपने हाथों को धुलें और भीड़ में इकट्ठा ना हो और इसी का पालन करें, जिससे कि जो है एक जिसको कोरोना को फैलाव जो हो रहा है उसमें रोकने में सहायता मिलेगी। आप एयरपोर्ट डायरेक्टर भी हैं, एयरपोर्ट पे क्या किया जा रहा है? एयरपोर्ट पे इसके लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ है और आज भी जो है राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया, इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने जो FIDS वगैरह सिस्टम है उसमें भी इस चीज़ को जो हमारे पैसेंजर्स आते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा हुआ। पटेल की जयंती है, पूरा देश आज की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो गोरखपुर द्वारा 3 दिवसीय एक सचल प्रदर्शनी और कोरोना जागरूकता रथ का हम लोगों ने आज झंडी दिखा करके रवाना किए हैं और एयरपोर्ट के निदेशक अनिल कुमार द्विवेदी जी ने आज झंडी दिखा करके रवाना किया है और यह कोरोना जागरूकता रथ जो राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने रिजर्व पुलिस लाइन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। JTC के लोग भी आए हुए हैं। आप लोगों को अनुशासन बनाए रखना है और आप लोगों की एक महीने की यहाँ
जेटीसी होगी, उस ट्रेनिंग में प्रारंभिक रूप से आपको वर्दी सिलवाना, वर्दी पहनना ये सिखाया जाएगा। एक टाइम टेबल आ रहा है जो इनको कराना है, वो ट्रेनिंग निदेशालय के बुकलेट के अनुसार कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है एसपी भाई साहब, और इसको करा करके आप लोग एक एक इनसे प्रतिदिन आप बात करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट सही, इनके खाते खुलना, ये सब चीजें जितनी भी होनी है, इनके बेनिफिशियरी की चीजें। इनके पुलिस लाइन में जिस जगह आप रह रहे हैं, बिना आरआई की अनुमति के आपका जो इंस्पेक्टर है उसकी अनुमति के लाइन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बिना अनुमति के आप इधर उधर वॉन्डरिंग नहीं करेंगे। सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक इनका पूरा ढंग से टाइम टेबल बनाएंगे, सही शूज पहनेंगे, सही जूते पहनेंगे, टाइम टेबल के अनुसार अपना काम करेंगे, और समय से आप लोग। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने बताया, पुलिस लाइन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, उसमें हमारे जेटीसी के कांस्टेबल्स और पुलिस लाइन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी है उपस्थित है। जेटीसी हमारे यहाँ आई है सिपाहियों की, उनके भी हमने निर्दिष्ट किया है कि किस तरह से ड्यूटीज करनी है, कैसी आपकी ट्रेनिंग होगी आदि आदि, और समय से ये लोग अनुशासित तरीके से और पुलिस विभाग में सर्विस करने के लिए लोग आए हैं, तो उनको भी अलग से निर्देश दिए गए। थैंक यू। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सदर तहसील सभागार में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोग्रवाल के नेतृत्व में सदर तहसील के कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान सदर तहसीलदार डॉक्टर संदीप दीक्षित, नायब तहसीलदार कानूनगो लेखपाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जनपद में 11 स्थानों पर प्रशासन 3 दिनों के लिए अस्थायी पटाखे की दुकान लगाएगी। खास तौर पर से कचहरी टाउन हॉल मैदान में पटाखे की दुकानों के लिए दुकानदारों में होड़ मची रहती है, और इसी COVID-19 के निर्देशों का पालन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने 64 में से केवल 32 दुकानों को ही दिवाली पर पटाखे लगाने की लाइसेंस दिया, जिसकी प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर में लॉटरी के माध्यम से एक के बाद एक दुकानदारों ने रखी और एक एक करके लोगों ने पर्ची निकाली और दुकानदारों को दिखाया। वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता तरीके से अपनाया गया। आफ्ताब अहमद, आफ्ताब अहमद, सर उसको हिला दीजिए, उसका निकलवा दीजिए। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, टाउन हॉल जो है कचहरी क्लब जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे हर साल पटाखे की दुकानें लगती हैं, तो पिछली बार वहाँ पे 61 दुकानें लगी थी, तो इस बार क्योंकि परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं और कोरोना का समय भी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फायर रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पे 32 दुकानें लगनी थी, तो इसी के लिए कचहरी क्लब के लिए कुल 57 आवेदन आए थे, तो 57 आवेदन में से 32 दुकानों का चयन होना था, इसलिए वहाँ पे लॉटरी के माध्यम से चयन कराया गया है, और लॉटरी में ये भी बता दिया गया कि किसको कौन सी दुकान आवंटित की गई है, ये भी बता दिया गया है,
तो इस हिसाब से 32 लोग का चयन हो गया है और वही 32 लोग वहाँ पर कचहरी क्लब में दुकान लगाएंगे। विकास भवन सभागार में CDO इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा गया कि संबंधित अधिकारी आगामी बैठक में अपने अपने ब्लॉक का DPR तैयार कर बैठक में सम्मिलित हुए सभी के पास 3 प्रतियों में DPR उपलब्ध रहना चाहिए। एक ब्लॉक में से अपने पास एक विकास भवन कार्यालय को उपलब्ध कराकर रखेंगे। आपने रखा है उनका जो टेक्निकल बंदर है उसने पूछ रहा ताकि सबको क्लियर रहे कि क्या प्रक्रिया है। ठीक है, ये ओपन फोरम जो पहला है सिक्स काउंटर सीएल होंगे 6,27,00,000 का है, इतने का DPR। तो इसमें अगर आप जियो को सबको कॉपी जरूर दे दीजिए जियो की, तो हमने इसकी जो स्वीकृति हुई है जनपद स्तर पर सक्षम स्तर से के लिए है कि टेक्निकल सेक्शन 1 रुपए के एक्शन का PS देने का पावर एक्सपेंस आपको 4,67,000 मेरी हुआ पानी जो उसका ब्याज के साथ इतना, तो ब्याज को तो साइड में रखेंगे तो उसी खर्च करने के लिए गाइडलाइन होती है। और उसमें जब आपने इसमें कहीं बात की जाए आपकी, जो प्रधान जी बताना चाहें कि क्या और भी किस्त को दे रहे हैं इसमें कि पहले 50,00,000 खर्च करने का है। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फिर लौट रहे हैं वापस। जहां उदय होता है कला का वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में Kala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1,00,000 तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908111। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
क्षय रोग उन्मूलन के तहत जिला क्षय रोग केंद्र में मीडिया संवेदीकरण बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंद कुमार व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर परमेश्वर मिश्रा ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि टीबी रोगियों को चिन्हित करने में मदद करें। जो लोग टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें जिला चिकित्सालय में मुफ्त दवाइयाँ वितरित की जाती हैं, जिनका लाभ उठाते हुए इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाएं। दवाइयों के बीच में बंद ना करें, क्योंकि टीबी एक घातक बीमारी है और कभी भी घातक रूप अख्तियार कर सकता है। इस अवसर पर ACMO डॉक्टर एम प्रसाद, उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर विराट स्वरूप श्रीवास्तव मौजूद रहे। क्योंकि अपने यहाँ 2 नवंबर से 11 नवंबर तक जो है सक्रिय क्षय खोज रोग अभियान चलाया जाएगा। इसमें अपने ज़िले के पॉपुलेशन का 10% यानी 483,000 पॉपुलेशन का जो है हम जो है स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग में जो है के लिए जो है 215 टीमें लगाई गई हैं। 215 टीमें यानी इसमें 645 मेंबर जो है काम करेंगे। प्रत्येक टीम में 3 मेंबर होंगे और इसके लिए 53 सुपरवाइज़र और 37 LT जो बलगम का जांच करेंगे और 21 जो है मेडिकल ऑफिसर लगाए गए हैं जो कि पूरे टीम की मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें जो है ज़्यादातर मलिन बस्ती, आउटरीच एरिया, स्लम एरिया और अनाथालय, जेल, जहाँ की ज़्यादातर की पब्लिक जो है अपना इलाज समय से या वहाँ तक हॉस्पिटल नहीं आ पाती है, जिससे कि वह ग्रसित रहते हैं और समय से उनका जांच इलाज नहीं होता है। और ये देखा गया है कि एक टीबी का मरीज समय से उसका जांच न हो तो साल में 10 से 15 लोगों को टीबी दे सकता है। तो एक्टिव केस फाइंडिंग का मतलब ये होता है कि हम ऐसे जगह जाएं, वहाँ प्रोग्राम चलाएं जहाँ पर पॉकेट में जहाँ जिस एरिया में टीबी के मरीज किसी कारणवश छूटे हों और उसका लाभ ना उठा पाते हों। तो इसलिए गोरखपुर की जनमानस जनता से हमारी अपील है कि जहाँ भी स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं और टीबी के ग्रसित लक्षण वाले मरीजों का सैंपल या डाटा मांगते हैं तो उसको बेहिचक दें, क्योंकि इसका समय से जांच और इलाज होने पर 100% इसका इलाज हुआ है। लेट करने पर, समय से इलाज न करने पर, उचित इलाज न करने पर वही केस बिगड़ जाते हैं जो कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट और TDR के रूप ले लेते हैं। देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले, सभी को समानता की कड़ियों में जोड़ने वाले देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वें जयंती के अवसर पर गोलघर काली मंदिर स्थित पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया, भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से आज सरदार पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया एवं आज संकल्प लिया गया कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए कश्मीर से धारा 370-35 से समाप्त करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान
सरदार पटेल जी ने किया था, उसी क्रम में आज आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को चरितार्थ कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारियों ने देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के रूप में मनाया। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों और उनके जीवन की चर्चा की। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने के लिए सत्यता से संकल्प। कुछ बातों पे गांधी जी के विचारों से ये लौह पुरुष ये संदेश फैलाने का भी अपने देश की एकता अभी भारत में विलय का पहले बात कर दिया है, समर्थन नहीं दिए थे। उसी समय जो आपके पश्चिम के खाड़ी एरिया है उसका नाम कुछ दूसरा था जिसको समर्थित करते। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, आज हम अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे थे। इस संबंध में थोड़ा सा शॉर्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता दिया, बंटवारे के समय उनकी क्या इस देश के लिए दोनों ने जो कदम उठाए थे बड़े महत्वपूर्ण और मजबूत थे, इसलिए उनको लौह पुरुष का नाम दिया गया और हम उनको याद करते रहे। इस संबंध में ये जो मेरा देश बहुत दूर तक फैला हुआ है, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा, भाषा, खान पान, रहन सहन, धर्म, सभी तरह के लोग रहते हुए भी एक एकता में बंधे हुए हैं, उस एकता के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में इनको बताया। अपना दल एस के जिला अध्यक्ष ब्रजेश सिंह पटेल के नेतृत्व में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर गोलघर काली मंदिर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर महिला संघ के जिलाध्यक्ष मीना चौधरी, उषा उर्मिला, मनोज पांडे, राहुल नितिन सोनकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बोलिए सब लोग, इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अपना दल एस के जिला अध्यक्ष ब्रजेश सिंह पटेल ने बताया, आज हम लोग सरदार पटेल साहब की 145वीं जयंती मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ, जिन्होंने इस देश के लिए जीवन भर संघर्ष किया और 65 रियासतों को एक करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। आज हम लोग जो आज
भारतवर्ष में स्वतंत्र है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। आज उन्होंने गरीब तबके किसानों सबके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज हम लोग ऐसे महापुरुष के जन्म जयंती को मनाया जा रहा है जिन्होंने जिसमें देश में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया, आज हम लोग यहाँ इस देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष और इस देश को एकता और अखंडता की लड़ी में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस पर उनके प्रतिमा पर हम सभी कांग्रेस जन एकत्रित होकर के माल्यार्पण कर उनका जन्मदिवस मनाए हैं। स्वतंत्र भारत की अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष भारत के पहले गृह मंत्री महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। बोलिए क्रॉड फाइल जाइए ना जी बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा के जिलाध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत रत्न भी रहे, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, उनका देहावसान 1950 में हुआ था। आज उस महापुरुष की जयंती है। उस महापुरुष की जयंती पर आज हम लोग गोरखपुर के इस काली मंदिर के सामने इनके प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महापुरुष थे, वो हमेशा ही लोगों को जोड़ने का काम करते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इन्होंने हमेशा ही जोड़ने का, जो बिखराव था देश में उस बिखराव की राजनीति को हमेशा जोड़ने का काम किया है। अखिल भारतीय कुर्मी छत्री महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा गोलघर स्थित काली मंदिर के सामने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई गई। ऊपर चढ़िए, ऊपर ऊपर एक दो लोग चढ़िए, ऊपर चढ़िए एक लोग। हमारे 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 हम
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडल अध्यक्ष जनार्दन चौधरी ने बताया, आज भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं जन्मदिन की जयंती पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा गोरखपुर की तरफ से उनका जयंती मनाई गई और हम लोगों ने अपना सदा सुमन पेश किया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो व्यक्तित्व था, जिन्होंने अखंड भारत की सपना देखा था। सदर तहसील अंतर्गत विभिन्न ग्राम सभाओं में पोखरों के 10 वर्षीय नीलामी जिलाधिकारी के विजय पांडेन की संस्तुति पर एसडीएम सदर गौरव सिंह सुगरवाल के निर्देश पर और उनकी देखरेख में तहसील सदर सभागार में की गई। बोलीदाताओं के समक्ष नीलामी कराकर पात्र व्यक्तियों को पोखरे का आवंटन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बोलीदाता मौजूद रहे। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और अपने घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहे श्रीवंश चैनल। साईं प्रणाम।